हाय एवरीवन आई वेलकम यू टू द वे टू हील यार आज के इस वीडियो में हम लोग जाम इसमे के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिशन नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज का ही नोटिस है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि आप में से बहुत लोगों का इसमें क्वेरी आ रहा है कि इस नोटिस को थोड़ा सा मैं समझाऊं देखो यार नोटिस सिक्सटीन ऑफ नवंबर का है रात का नोटिस है तो हम लोग चलिए इसको इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि नोटिस में कहा क्या जा रहा है सारी बातें हम लोग एक एक करके करने वाले हैं मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ और फिर स्टेप बाई स्टेप इसको कैसे फिल करेंगे ये सारी बातें भी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं देखो नोटिस है हमारे पास ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा कोर्सेज ई टी सी फॉर ओर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन देखो सबसे पहले तो ओर्थ सेमेस्टर कौन कौन से होते हैं फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ ये सब सेमेस्टर हमारे ओर सेमिस्टर्स होते हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि ये उन लोगों के लिए फॉर्म है जो बच्चे या तो थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में है या फिर सेवंथ सेमेस्टर में है सेवंथ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये फॉर्म आया है एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है फॉर्थ अकेडमिक सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इज गोइंग टू बी लाइव विद इफेक्टिव फ्रॉम सिक्सटीथ ऑफ नवंबर एट जे एम आई सी ओ डॉट इन ठीक है जे एम आई सी ओ डॉट इन पर आपका फॉर्म लाइव होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे या तो थर्ड सेमिस्टर में हैं या तो फिफ्थ सेमिस्टर में हैं या सेवन्थ सेमिस्टर में है आप जामिया मिल्ल इस्लामिया के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है जो कि आपका एग्ज़ाम इस सेशन के लिए होने वाला है दो हज़ार बाईस तेईस के लिए एग्जामिनेशन जनरली आपका दिसंबर में हो जाता है या हो सकता है कि जैन में हो जाए या थोड़ा आगे पीछे होता रहता है ये शेड्यूल के हिसाब से वैसे पहले तो दिसंबर में होता था लेकिन अभी शेड्यूल आगे पीछे चल रहा है तो वो एग्जाम यूनिवर्सिटी आपको नोटिफाई कर देगी सिक्सटीन नवंबर से लेकर के थर्टीन ऑफ नवंबर यानी कि सोलह नवंबर से लेकर के सोलह नवंबर से लेकर के तीस नवंबर तक आपके पास डेट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का अब बात आती है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कैसे करना है इसके लिए यार मैंने एक वीडियो लास्ट ईयर बनाया था वो वीडियो अच्छा खासा चला भी और बहुत लोगों ने देखा भी होगा वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फर्स्ट कॉमेंट में भी दे दूंगा और उसका यार लिंक मैंने अभी शेयर कर देता हूं टेलीग्राम चैनल में भी आप वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कॉमेंट में होता है तो टेलीग्राम चैनल आप जाकर ज्वाइन कर लेना वो वीडियो देखना वरना अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा कि इस साल फिर हम फॉर्म को कैसे फिल करेंगे ये सारी बातें यार तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर ये नोटिस बेसिकली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग में ऑलरेडी किसी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं और फिर मैं क्लियर कर दूँ जिन बच्चों ने अभी अभी एडमिशन लिया है अभी मतलब इस साल 2022 में जिन बच्चों ने अभी अभी एडमिशन लिया है तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो उनको ये फॉर्म नहीं फिल करना है और जो बच्चे एनुअल मोड के हैं एनुअल वाले भी नहीं करेंगे जिनका एयरली है सेशन वो बच्चे करेंगे जिसका सेशन सेमिस्टर वाइज है और जो अभी एडमिशन नहीं लिया यानी फर्स्ट सेमिस्टर वाले नहीं करेंगे और सेमिस्टर है कि एक्सेप्ट फर्स्ट सेमिस्टर है तो यार नए बच्चों के लिए नोटिस नहीं है पुराने बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए जो थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर में है सो so, यार दैट इज़ फॉर टूडे प्लीज स्टे कनेक्टेड कीप ग्रोइंग थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर